हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ग्रेविटेशन क्लास 9 का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू कर लेते हैं। ये एमसीक्यू है जो हमने पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं उनके, और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने लास्ट टाइम भी कराया था। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज हाफ विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम F/4, F/2, F2F, F/4 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अ बॉय इज वर्लिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग इज इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक देन स्टोन विल कंटिन्यू टू मूव इन सर्कुलर पाथ, विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ, विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू सर्कुलर पाथ फ्रॉम द ऑप्शन डी, क्योंकि मुझे टैंजेंशियल का मतलब नहीं पता। अब यही चीज थी, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि जब मैंने सेंटीपिटल फोर्स कराई थी तो ये डिस्कस करना रह गया था। सपोज अगर तुम्हारे हाथ में एक स्टोन है, आपने उसको क्या किया, टाइट किया एक धागे से, थ्रेड से, और उसको ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। बिल्कुल ये जब वो घूम रहा है तो वो बिल्कुल ऐसे घूम रहा है जैसे अर्थ के चारों तरफ मून सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। पर जैसे ही आपने वो छोड़ा तो वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कैसे ऑप्शन सी है। होता है, जैसे इसको ऐसे मानो ये सर्कल में घूम रही है कोई चीज, तो जैसे ही उसको आप छोड़ोगे तो वो ऐसे जो इसको टेंजेंट बनाती है, इसको ऐसे टच करती हुई जो सीधी लाइन है, या इधर से छोड़ा तो ऐसे, इसको बोलते हैं टेंजेंशनल लाइन। तो विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशनल टू सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ से जो टेंजेंशनल बना रहा है उस पाथ में मूव कर जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, मून भी ऐसे ही सीधे मूव कर रहा है, बट जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको इस सर्कुलर पाथ में रख रही है। जैसे ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होगी, मून ऐसे सीधा चला जाएगा जैसे ये स्टोन गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, इन द रिलेशन एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर द क्वांटिटी जी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज यूज ओनली व्हेन द अर्थ इज वन ऑफ द टू मासेस इज ग्रेटेस्ट एट सरफेस ऑफ ऑप्शन अर्थ डी। इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। तो जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड पॉइंट मास ओनली, द अर्थ एंड सन ओनली, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, टू चार्ज बॉडीज ओनली। ये जो जी ग्रेविटेशनल फोर्स है इन ये कोई भी बॉडीज जो मास रखती हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। टू पार्टिकल आर आज प्लेस एट सम डिस्टेंस इफ द मास ऑफ टू पार्टिकल इज डबल। पहले हाफ किया था, अब हमने डबल कर दिया। कीप द डिस्टेंस बिटवीन द अनचेंज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन विल बी F/4, F/2, एफ फोर फोर एफ बाय फोर है, 4/5। फोर एफ डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। द एटमोसफेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी, विंड, क्लाउड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। क्या कहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है टू यूनिट पॉइंट मास, यानी कि कैपिटल एम बी वन और स्मॉल एम बी वन, और यूनिट और लिख लेते हैं यूनिट, जो भी यूनिट है, बाय यूनिट डिस्टेंस डी बी वन दिया है यूनिट, जिस भी यूनिट में है, तो एफ को क्या कहेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। हाँ, क्योंकि जब सब चीजें आप क्या करोगे, वन वन रख दोगे, एफ जो है जी के बराबर आ जाएगा। एफ का एक्सप्रेशन क्या है, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर।
जब सारी वैल्यू 1 1 रख दी तो अब जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बराबर आ गया, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री बिकॉज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एप्पल, इफ F1 इज द मैग्नीट्यूड फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन एप्पल, F2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय एप्पल ऑन अर्थ, देन F1 इज मच ज्यादा है ग्रेटर देन F2, F2 इज वेरी मच ग्रेटर देन F1, F1 इज ओनली लिटिल ग्रेटर देन F2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के लिए समान होगी, F1 इज इक्वल टू F2। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज फॉलिंग सोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस। इन फ्री फॉल द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी विच इज कॉज टू एक्सलेट डाउनवर्ड्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट। हमने कोई बॉल ली और कहीं ऊंची बिल्डिंग पे गए, उसको हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया और एयर का रेजिस्टेंस उस पे काम नहीं कर रहा है, तो वो जिस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रही है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं अर्थ की उस फोर्स को। ठीक है। और गैलीलियो ने क्या कि एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में वो पिज़ा की मीनार पे गए और वहां से उन्होंने अलग अलग मासेस की बॉल्स को ऊपर से नीचे फेंका, और उन्होंने क्या देखा कि मास बॉडीज का बॉल्स का अलग अलग भी था, उसके बाद भी वो सेम टाइम पे नीचे पहुंची। इसका मतलब जो ग्रेविटी है ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड नहीं करती है, बट अगर हम बॉल को और पेपर को किसी छत से फेंके तो क्या वो समान रेट पे नीचे पहुंच जाएंगे? क्यों? क्योंकि पेपर ऐसे 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 जाएगा, क्योंकि पेपर पे रेजिस्टेंस काम करेगा, एयर रेजिस्टेंस, तो उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो नीचे लेट पहुंचेगा। बट अगर हम ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी दोनों पे सेम है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से वॉल पे वो रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम उसको जी बोलते हैं, स्मॉल जी। वैसे एक्सलेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, बट जो ग्रेविटी की वजह से एक्सलेशन लग रहा है बॉडी पे, उसको जी से दिखाते हैं। कैलकुलेट करेंगे, अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखेंगे। द एक्सलेशन एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्री देयर विल बी चेंज इन मैग्नीट्यूड टू इट्स वेलोसिटी। जब हमने ऊपर से बॉल को गिरा, स्टार्ट किया फॉल करना, पहले वो रेस्ट में थी, जैसे जैसे नीचे की तरफ चल रही है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोटेड बाय जी। इस एक्सलेशन को हम जी से बोलते हैं और इसकी यूनिट होती है SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सलेशन की यूनिट है सेम वही हमारी ग्रेविटी, जो जी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी यूनिट है स्मॉल जी की, ग्रेविटी जी। कैलकुलेशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेशन के लिए क्या करा हमने? एक एम मास को ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको एच हाइट से हमने फॉल कराया। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ मोशन क्या करता है? फोर्स किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू एम ए, सुना नहीं सुना? फिर से सुन क्या कहा मैंने। कहा एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास एम है और एच हाइट से मैंने उसको फॉल कराया, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि उस पर जो फोर्स लगेगी वो एफ इक्वल टू एम ए है, जहाँ पे ए उसका एक्सेलेरेशन है, एम उसका मास है। बट यहाँ पे जो फोर्स है वो ग्रेविटी की वजह से है, तो एम जी हो जाएगा। तो इस ए को, इस एक्सेलेरेशन को हम स्मॉल जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो एफ इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन हम बना सकते हैं फ्रॉम ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? Law of gravitation, हाँ, law, gravitation law. F is proportional to m1 into m2 and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी डी स्क्वायर। स्क्वायर। तो हम ये दोनों फोर्स के रिलेशन यूज करेंगे। एक तो हमने ये ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को ए को जी से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ग्रेविटी की वजह से है ये फोर्स। तो एफ इक्वल टू एम जी बन गया एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ होता है जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन टू। दोनों फोर्स की इक्वेशन है ना। क्वेश्चन लगा तो देंगे दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू। एम जी इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, दोनों साइड एम है, कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल जी इक्वल टू हो गया जी एम अपॉन डी स्क्वायर। डी क्या है, अर्थ के सेंटर से बॉडी जो हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया उसके बीच का डिस्टेंस। कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास, और कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें कैपिटल जी और कैपिटल एम कांस्टेंट हो गए, अर्थ का मास भी चेंज नहीं हो रहा है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वन अपॉन डी स्क्वायर के। जो स्मॉल जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। क्योंकि क्यों है, जबकि जी जी के, और एक कांस्टेंट है। क्योंकि जी की तो वैल्यू ही आ रही थी, कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर आ रही है ना। ये स्मॉल एम से एम कट गया तो स्मॉल जी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अर्थ का मास और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये दोनों कांस्टेंट हो गए, मास दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। तो जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वन अपॉन डी स्क्वायर के। इसका मतलब ये है जो ग्रेविटी की वजह से एक्सलेशन हो रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सलेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट में, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अर्थ के पोल्स पे जी की वैल्यू अलग होगी हाँ अलग और अर्थ के इक्वेटर पे जी की वैल्यू होगी कहाँ पे कम और ज्यादा होगी, क्योंकि वेटर पे अर्थ ज्यादा जो होगी। है हमारा पूरा स्पेयर नहीं है ना, स्पेयर नहीं है। ऊपर जो सेंटर से पोल्स की डिस्टेंस है वो कम होती है, कम कम होती है होती है ना, तो वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा क्या होगी। है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू और पोल्स पे इक्वेटर जी की वैल्यू, पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है, और क्या बोला मैम, इक्वेटर पे कम होती है क्योंकि अर्थ ओवल जैसा है लेकिन मास ओवल ज्यादा। जैसा है और डी की जो वैल्यू है इक्वेटर पे कम हो जाएगी, और जैसे ही वैल्यू कम होगी जी कैपिटल जी की वैल्यू, ये स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जैसे जी, जैसे डी कम होगा वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ेगी। जी आ गया, वेयर एम इज अ मास ऑफ अर्थ, डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द अर्थ सरफेस, द डिस्टेंस डी विल बी कैपिटल आर। मतलब अर्थ सरफेस पे ही फिलहाल हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्मॉल जी की वैल्यू। अच्छा पहले इधर ध्यान दो, अब हमने क्या किया, हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ सरफेस के नियर ले लिया, तो जो डी है वो हम कैपिटल आर से रिप्लेस कर सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ से। अभी बताऊंगी। तो जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे, कैपिटल जी को भी एम को भी और कैपिटल आर को भी। वैल्यूज को पुट करिए और ये भी पढ़ ले, देखिए अभी समझाया था ना, द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्पेयर एज रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट पोल देन द इक्वेटर। अभी ये डिस्कस किया था हमने। अब क्या करेंगे, इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ जी 6.7 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल एम है 6 × 10^24 kg और कैपिटल आर की वैल्यू है 6.4 × 10^6 मीटर।
याद रखनी है ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू। कैपिटल जी की 6.67 × 10⁻¹⁷ kg² हाँ, और एम एंड 6 × 10⁻²। हाँ केजी, और रेडियस वो नहीं पता था, 6.4 × 10⁻¹⁵ एक सिक्स में ही है सारी वैल्यूज, है ना। तो 6.4 × 10⁻⁶ सेम। मीटर वैल्यूज पुट करो सारी, डायरेक्ट लिख दो 9.8 m/s², चाहे तो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो जी की वैल्यू आती है 9.8 m/s². द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज जी 9.8 m/s². लेकिन कैलकुलेशन में 10 m/s² हाँ, फॉर सिंप्लिसिटी, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है और आपको कैलकुलेशन करनी है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम जी की वैल्यू 9.8 की जगह 10.0 m/s² ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।